जैसे कि शमी जी का निर्देश हुआ है उसी बात को ध्यान में रखते हुए मन पसंद रचना आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। आइए आइए पहले कथा स्पष्ट बता दो जैसे कि भाई साहब का आदेश हुआ है। जय हो। भजन प्रतियोगिता में राम सत्ता में बड़ा ही महत्व होता है कथा का स्पष्टीकरण। आइए बात उस समय की है। आज गरीबी से बुरा हाल सुदामा जी बड़े चिंतित से बैठे हुए हैं और इधर उनकी धर्मपत्नी सुशीला के समझाने पर कहने पर अपने बचपन के मित्र भगवान घनश्याम से मिलने के लिए आते हो गए, तैयार हो गए। कहा जाओ, कुछ ना कुछ उपाय भी बताएंगे क्योंकि वो तुम्हारे बचपन के मित्र हैं। लेकिन इधर सुदामा जी बड़े चिंतित हैं कि आखिरकार मैं कैसे द्वारकापुरी तक पहुंचूं, ये मन में संशय है। लेकिन इधर सुशीला जी धीर बंधाती हैं, अगर तुम्हारे मित्र घनश्याम ने चाहा तो सब कुछ पहले जैसा ठीक ठाक हो जाएगा। आज पहुंचते हैं सुशीला जी की बात मानकर और जैसे ही पहुंचते हैं आंखों में आंसू लिए सुदामा जी द्वारकापुरी जैसे ही पहुंचे हैं वहां देखा सारी नगरी सजी हुई और ऐसा लग रहा है जिसे दुल्हन की तरह पूरा नगर सजा हुआ है और आज देखते हैं। लेकिन संशय इस बात का है कि द्वारकापुरी में अंदर प्रवेश कैसे किया जाए। द्वारपालों ने रोक लिया है तो देखिए यही कथा सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद करेंगे, बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। कहना है सुदामा जी की तो देखिए क्या होता है। अति निर्धन जब हो गए भक्त सुदामा जी, छोटी सी कुटिया थी उनकी प्रभु चरणों में। भक्त बड़ा बलवान, भक्त के हाथ में है सभी जात जरा इंसान। वक्त से आदमी तख्त पर बैठा और वक्त से पहना ताज है और वक्त पड़े तो दाने दाने को वही आदमी मोहताज। आज दैनिक स्थिति सुदामा जी की बन गई है। द्वारपालों ने रोक लिया है और आज आंखों में आंसू लिए सुदामा जी रो रहे हैं कि आज मेरी दीन दशा कैसी हो गई। तो देखिए क्या होता है। हेलो, तो कन्हैया के द्वारे जय हो सुदामा जी रोए, कहे मित्रता की।
कन्हैया के द्वारे सुदामा जी रो, आखिरकार तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? सुदामा जी ने जब अपना नाम बताया तो द्वारपालों ने कहा कि घनश्याम जी से मिलना तो तुम्हारा हो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी सहायता जरूर कर सकते हैं। कुछ अगर तुम्हें चाहिए तो हम दे सकते हैं, लेकिन सुदामा जी कहते हैं मैं तो अपने परम मित्र घनश्याम का दीवाना हूँ और उन्हीं के दर्शन मात्र के लिए आया हूँ। तो देखिए क्या होता है। Yeah!
महाराज कह रहे हैं क्या होता है क्या? अपने शाम पे कुर्बान अपनी जान अपने शाम पे कुर्बान अपने शाम पे कुर्बान नवज्योति मंडल दफाड़ा अति शीघ्र मंच पर पधारे नवज्योति मंडल दफाड़ा। और खबर भगवान घनश्याम को लगी कि मेरा मित्र जिसका नाम सुदामा है जिस ही कानों तक आवाज पहुंचती कि सुदामा नाम बता रहा है कोई आया है। मनी मनी भगवान घनश्याम समझ गए कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आया है। आज ऐसी दिन दशा सुदामा जी की देखी भगवान घनश्याम की आंखों से आंसू की धार नहीं रुकती है। तो देखिए क्या होता है। और देख सुदामा की दिल दादा करुणा करते करुणा निधि रोए जय हो। देख सुदामा की दिल दादा करुणा करते करुणा निधि रोए जय हो। और थाली को पानी छुओ ही नहीं पग बुलाते हैं सुदामा जी को तो देखिए क्या होता है। तो आंसुओं से चरण धुल घनश्याम हर आंसुओं से चरण धुल घनश्याम हर सुदामा जी को सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या होता है ऐसी दोस्ती ऐसा प्यार याद कर
संतोष जी उनके डाबी वालों की ओर से 21 रुपए।